अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हीट ऑफ फॉर्मेशन की एग्जांपल नंबर 2 को समझने जा रहे हैं, जिसमें सिंटेक्स बुक बोर्ड के प्रोग्रेस टेस्ट 5 के क्वेश्चन नंबर बी को हम समझने जा रहे हैं, जिसमें पूछा गया है कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछी गई है इथेन की, जिसमें कहा गया है कि 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ, तो इथेन बनती है, उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमें 3 इक्वेशन जो है वो हल के लिए दी गई है, जिसमें कहा गया है इक्वेशन नंबर 2 में कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और उस वक्त हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो -394 किलो जूल पर मोल होती है। और फिर हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है वाटर बनता है, उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन -286 किलो जूल पर मोल होती है। और इथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, और उस वक्त हीट ऑफ फॉर्मेशन -1560.632 किलो जूल पर मोल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, जिसमें इक्वेशन नंबर 2 जो है उससे हम शुरुआत करेंगे। याद रहे यहाँ हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें कार्बन के साथ 2 लगा हुआ है, जबकि इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो कार्बन के साथ 2 नहीं लिखा हुआ, लिहाजा हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाती है 2C+2O2 बनता है 2CO2, और डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास है -394 किलो जूल पर मोल, जिसको मैं कैलकुलेटर से यानी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है -788 किलो जूल पर मोल। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 का, क्योंकि सवाल में हमें 4 इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। अब हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन के साथ 3 लगा हुआ है, जबकि इक्वेशन नंबर 3 में 3 यहाँ मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3H2, और 3 को जब हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 3/2O2, और हमारे पास बनता है 3H2O, और डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ जो गिविन है वो -286 किलो जूल पर मोल है, जिसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -858 किलो जूल पर मोल। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6 का। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को ऐड करते हैं हम, तो यहाँ हमारे पास था 2C+3H2। अब ये 2 ऑक्सीजन हैं और यहाँ हमारे पास 3/2, तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू हो जाती है 7/2O2, और इक्वल टू किस तरफ हो जाता है 2CO2 3H2O, और दोनों की डेल्टा एच की वैल्यू को हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर से प्लस करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -1646 किलो जूल पर मोल। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से जिसे मैं इक्वेशन नंबर 7 का नाम देता हूँ, इक्वेशन नंबर 7 से मैं इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करने जा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, तो ये हमारे पास होगा C2H6, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास, +7/2O2, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 2CO2+3H2O, और डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास है -1560.632 किलो जूल पर मोल। अब हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 4 को हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, इक्वेशन 7 से इक्वेशन 4 को हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। याद रहे सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन जो होती है वो चेंज हो जाती है, लिहाजा इसके साथ माइनस, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, और ये जो माइनस है उसके साथ आ जाएगा प्लस, सब्ट्रैक्ट में हमेशा साइन चेंज हो जाएंगी। तो अब देखें यहाँ सब्ट्रैक्ट करते वक्त 2C हमारे पास यहाँ बचा है, +3H2 रह गया। अब 7O2 और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, इसी तरीके से 2CO2 है ये भी कैंसल हो जाते हैं, 3H2O ये भी क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं।
अब ये जो C2H6 यहाँ माइनस में है, अगर मैं इसको इक्वेशन के उस तरफ लेके चले जाता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस में, और -1646 किलो जूल पर मोल में मैं शामिल कर देता हूँ प्लस 1560.632 को, तो हमारे पास जो डेल्टा एच की वैल्यू आती है वो है -85.368 किलो जूल पर मोल। तो फाइनली ये हमारा जो है वो आंसर है। आप इसे सेंटेंस की शक्ल में लिख दोगे, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज -85.368 किलो जूल पर मोल। अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से। थैंक यू वेरी मच।